हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा में है। अगर हम बात करेंगे तो ओनली एक ही स्टॉक है जो कि अवेन्यू सुपरमार्केट के बारे में बात करेंगे, डी मार्ट के बारे में। तो ये स्टॉक में आज के दिन में जिस हिसाब से करेक्शन देखने को मिला है, तो अभी इस लेवल पे हमें क्या करके चलना चाहिए, क्योंकि 100 डे का मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है ये स्टॉक, तो इसमें आगे के लिए क्या रणनीति बनना चाहिए, तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक है तो उसका एनालिसिस देखने के लिए आप वीडियो में जाके रेफर कर सकते हैं। उसमें टारगेट बताया हुआ है कौन सा टारगेट लेवल पे आपको सेल करना चाहिए स्टॉक को, और कौन से बाइंग लेवल पे बाय करना चाहिए। ठीक है, जाके डिटेल एनालिसिस जरूर देख लीजिए। उसके बाद में मैं इस वीडियो में आखिर में जरूर बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक में मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग किया हूं। अगर आप रेगुलरली मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे लगता है आपके पास में भी वो स्टॉक रहेगा, तो इस वीडियो में जरूर आप बने रहिए। ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं अवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आज हम इस स्टॉक के बारे में देखेंगे, यहाँ पे देखिए भारी गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे जब स्टॉक का ओपनिंग हुआ था यहाँ पे 4500 के पास में, स्टॉक का जो आज का लो अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4165 है, तो मतलब 8% तक का 8-9% तक का करेक्शन देखने को मिला, और इमीडिएटली क्लोजिंग लेकिन यहाँ पे रिबाउंड हुआ है, जो कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्लोजिंग यहाँ पे 4288 पे हुआ है, तो संभल गया है। अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से 5% का करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट तो बहुत बढ़िया से आया था, रिजल्ट तो बहुत पॉजिटिव था, उसके बावजूद ये स्टॉक में क्यों गिरावट हुआ। अगर आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक तो आपको आगे के लिए क्या करके चलना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 लाख क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ पे 12 लाख क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 47% का डिलीवरी निकल करके आता है, जो कि बेहतरीन डिलीवरी है। और अभी जो रिजल्ट आया था, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए, यहाँ पे अगर इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम आ जाते हैं स्क्रीनर पे, स्क्रीनर में देखिए, स्क्रीनर में स्टॉक का अगर पी की बात करेंगे 187 पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे हायर, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है अगर पी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, लेकिन जहां पे क्वालिटी चीज है तो क्वालिटी के हिसाब से है तो उसका पी तो महंगा रहेगा ही, क्योंकि आप अगर देखेंगे हमेशा, आप देखिए पीडीलाइट हमेशा हायर वैल्यूएशन पे ट्रेडिंग होता है, क्योंकि वो क्वालिटी स्टॉक है, तो क्वालिटी स्टॉक में वैल्यूएशन में है वहां पे पी तो हायर दिखाता ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पे सितंबर में 9218 का जो यहाँ पे सेल्स हुआ है, जो कि लास्ट सितंबर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 5300 करोड़ का था, जो कि बेहतरीन यहाँ पे सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो 7700 करोड़ का यहाँ पे सेल्स भी देखने को मिला है, जो कि बहुत बढ़िया से इंप्रूवमेंट। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया से पोस्ट किया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे या तो फिर यहाँ पे दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर कर लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे दिसंबर में यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट आया था 447 करोड़ का, तो अभी का अगर हम देखेंगे दिसंबर में 553 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, जो कि इंप्रूवमेंट जरूर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, अगर हम यहाँ पे जाके लास्ट 4 क्वार्टर का अगर हम प्रॉफिट भी देखते हैं, यहाँ पे 1480 करोड़ का यहाँ पे लास्ट 4 क्वार्टर में प्रॉफिट है। अगर हम सेल्स की बात करेंगे 29000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है, तो बेहतरीन सेल्स भी है। अगर हम यहाँ पे रिजर्व की बात करेंगे, रिजर्व बहुत बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है। अगर हम बोरोइंग की बात करेंगे 510 करोड़ की बोरोइंग है, मतलब अगर इसी हिसाब से देखेंगे बहुत कम बोरोइंग है। अगर हम प्रमोटर का होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे 75% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, तो यहाँ पे एफआई के पास में 9.4% का होल्डिंग है, डीआई के पास में 6.74% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास में यहाँ पे 8.8% का होल्डिंग है। अगर यहाँ पे 2% निकाल दें, रिटेल इन्वेस्टर के पास में ओनली 6.6% का होल्डिंग है, इतना बढ़िया सा स्टॉक में। अगर हम इसी हिसाब से देखते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे उस टाइम पे भी मैंने हमेशा आपको बता रहा था, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक तो है, इसमें तो नो सके तो सबको पता है। अगर कंपनी की बात करेंगे तो क्यों कंपनी में गिरावट देखने को मिला है फ्रेंड्स, अभी जिस हिसाब से कोरोना यहाँ पे हाई हो रहा है, महाराष्ट्र का कोरोना का केस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जाके देखिए, अगर आप यहाँ पे महाराष्ट्र का कोरोना का ग्राफ देखेंगे कोरोना में, महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में हर एक डे यहाँ पे कोरोना में बहुत ज्यादा ये देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे
इनका जो रिटेल बिजनेस इनका जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इनका स्टोर जो है महाराष्ट्र में है। तो इसके वजह से जिस हिसाब से ग्राफ यहाँ पे हाइक हो रहा है महाराष्ट्र में, जिस हिसाब से कोरोना का केस चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है रिएक्ट किया है। ठीक है, अगर आप इसी हिसाब से, मुझे लगता है अब देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में इनका कितना सारा जो कि स्टोर है, यहाँ पे टोटल तो इंडिया में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 234 स्टोर्स है। अगर इसी हिसाब से आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट जो स्टोर है तो यहाँ पे महाराष्ट्र में 58 स्टोर जो है महाराष्ट्र में, तो उसके बाद में आता है फिर गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पे दिल्ली हुआ, जहाँ पे कोरोना का केस स्पाइक हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला है। ठीक है, वो तो पहला रीजन है। और सेकंड रीजन की जहां तक का बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्वालिटी स्टॉक होता है ना, बहुत सारा क्वालिटी स्टॉक में जब बढ़िया सा रिजल्ट पोस्ट करने के बावजूद भी वहां पे स्टॉक को गिराया जाता है। ठीक है, जानबूझ के स्टॉक को गिराया जाता है ताकि वहां पे रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे, सेल करके निकल जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली हर एक स्टॉक में देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक में हुआ है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बार कैसे भी हुआ है, टीसीएस का केस में जहां पे इतना बड़ा क्वालिटी स्टॉक है, मार्केट लीडर है, उस वहां पे भी ऐसे ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये स्टॉक में आपका पोजीशन है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गिरावट है ना, इसको आपको अपॉर्चुनिटी की तरह मानना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब स्टॉक यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, मैं हमेशा आपको अवॉइड कर रहा था। क्यों अवॉइड कर रहा था, मुझे पता है स्टॉक कभी ना कभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आएगा ही। ठीक है, अगर 200 डे मूविंग एवरेज के पास में नहीं भी आता है, वो सपोर्ट देख के हम बाय कर लेंगे। अभी देखिए आज के दिन में यहाँ पे अगर गिरावट अगर देखेंगे, सबसे लोएस्ट तक का यहाँ पे 28% तक का करेक्शन आ चुका था। अभी जहां पे क्लोजिंग हुआ है फिर भी 27% अभी करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल है। अगर आप अभी के करंट सिनेरियो पे अगर बाय करना चाहते हैं तो भी बाय करके चल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक में जिस हिसाब से यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है, मुझे लगता है ये सपोर्ट के पास में जरूर आ सकता है स्टॉक। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक सपोर्ट, फिर नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिन तक इस लेवल पे ट्रेडिंग हो सकता है। ठीक है, अगर आप इस लेवल पे बाय करना चाहते हैं, मुझे लगता है आपके लिए बहुत बढ़िया सा वैल्यूएशन पे आप बाय कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा सा वेल्थ बना के दे सकता है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा आपको भी पता होगा इसने किस हिसाब से रिटर्न दिया है। यहाँ पे 3 ईयर्स में 40% का सीएजीआर रिटर्न दिया, जो कि बिल्कुल टेंशन है ही नहीं। ऐसा स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएंगे तो आपको रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब टेंशन ही नहीं है ऐसा स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। अगर स्विंग ट्रेड करेंगे तो ये आपके लिए और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसा सारा क्वालिटी स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, मैंने बहुत बार ऐसा किया हूं। अगर आप इस हिसाब से ये लेवल पे अगर एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको मतलब कुछ भी अगर 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट 30-40 तक इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ठीक है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको करना है यहाँ पे डीमार्ट में 50,000 रुपीज का, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 30,000 तक कर लीजिए। उसके बाद में अगर स्टॉक में ऐसा होता है, अगर इस लेवल तक आता है, क्योंकि कभी कभी बहुत बार देखने को मिला है काफी सारे जो ब्लू चिप स्टॉक होता है ना, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ जाते हैं, लेकिन अगर ये स्टॉक में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत केस में 100 डे का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके चला जाता है। ये हुआ, पीडीलाइट हुआ, ये सब बहुत क्वालिटी स्टॉक है। ठीक है, प्रीमियम पे यहाँ पे चलता है, तो इसी हिसाब से ये स्टॉक में मुझे लगता है आप यहाँ से कुछ क्वांटिटी बाय कर लीजिए। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि नहीं, 200 डे मूविंग एवरेज के पास में जब यहाँ पे आएगा 3,870 तक आएगा, तो उसी टाइम पे मैं बाय करूंगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर आप सोचते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है हमारा बॉस भी छूट भी जाए। ठीक है, लेकिन उसमें कोई रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक मार्केट में, बहुत सारा स्टॉक है, इससे कोई बात नहीं है। अगर यहां तक गिरता भी है 7% गिरेगा। ठीक है, अगर आपको रिटर्न मिलेगा तो कितना परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा वो भी आप देख लीजिए। अगर आप यहां पे भी पोजीशन बना के चलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर यहां पे आप अगर एंट्री लेके चलते हैं ये लेवल से ऑल टाइम हाई तक, अगर स्टॉक में पोजीशन बना के चलेंगे 40% का आपको गेन मिल सकता है। मुझे लगता है ये स्टॉक में अगर आपको 40% एक साल में कैसे भी वो बनी जाता है। ठीक है, उससे पहले भी ये 40% का गेन दे देगा। ठीक है, अगर आप 6 मंथ्स से 8 मंथ्स तक होल्ड करेंगे आपको 40% का गेन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा सिनेरियो भी डिपेंड होता है कोरोना का केस के ऊपर। अगर कोरोना केस अगर थोड़ा सा टाइम चला तो थोड़ा टाइम तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक को आपको होल्ड करने में कोई भी
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे कोरोना के टाइम पे यहाँ पे 200 डे मूवी एवरेज के पास में आया था, उसके बाद में भी 200 डे मूवी एवरेज के पास में आया था, फिर यहाँ से भी आया था, तो इसी हिसाब से। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी अगर इंतजार किए होते, यहाँ पे 200 डे मूवी एवरेज के पास में आया भी नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 100 डे का मूवी एवरेज से फिर सपोर्ट लेके चालू हो गया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको अगर इस लेवल पे अगर बाय करना है तो कुछ क्वांटिटी आप यही लेवल पे बाय कर लीजिए, उसके बाद में स्टॉक अगर गिरता है तो यहाँ पे आप जैसे 30,000 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिए, उसके बाद में अगर आता है स्टॉक यहाँ तक तो यहाँ पे ले लीजिए, जो कि यहाँ से ये लेवल के बीच में आपको लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक और एक सपोर्ट निकल करके आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी दिन तक स्टॉक यहाँ पे एक रेंज पे चल रहा था, ठीक है। तो ये लेवल पे ले लीजिए जो कि 3,900 या तो फिर 4,000 के लेवल से बढ़िया सा गेन मिलेगा फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। अगर आपका होल्डिंग है तो आप बिंदास होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोरोना का बीच बीच में ये जो ये हो रहा है तो इसमें आपको पेशेंस के साथ में ये स्टॉक को होल्ड कीजिए, ये तो आपको अपॉर्चुनिटी की तरह मान के लेना चाहिए। ऐसा स्टॉक में आपका बहुत बड़ा सा गेन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों रेंज पे आप बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सा स्टॉक है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर एक चीज बताना चाहूंगा, आपका पोर्टफोलियो का 5% इन्वेस्टमेंट कीजिए, कितना अच्छा सा स्टॉक भी हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5% तक इन्वेस्टमेंट करके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5-10% भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 5 स्टॉक आपके लिए बेहतर रहेगा, 5% आपके लिए सही रहेगा। फ्रेंड्स मैं जो बता रहा था कि आपको कौन सा स्टॉक में मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, फ्रेंड्स ये स्टॉक में मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि काफी दिन से आपने भी पता होगा कौन सा स्टॉक है, भारत रसायन में मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 वीक्स पहले बनाया था वीडियो, ठीक है, मुझे कितना परसेंटेज का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे मुझे 27% का प्रॉफिट मिला। आप जाइए आप खुद ओपन करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगी 27% प्रॉफिट मिला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। आप अगर जाके देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए बहुत सारा स्टॉक मैंने बताया था, उस टाइम पे आपने बाय अगर किए होते तो आपको आज भी आप प्रॉफिट में होते, ठीक है। देखिए मैंने आपको बहुत बार हिंदुस्तान फूड का बात बताया हूँ, ठीक है, हिंदुस्तान फूड आप ले लीजिए, बहुत बार जिक्र किया हूँ। और आज आप देखेंगे हिंदुस्तान फूड में कितना परसेंटेज का आज गेन मिला है। देखिए हिंदुस्तान फूड आज कैसे भागा है मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार आपको सबको बताया कि हिंदुस्तान फूड एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, किस दिन भागेगा मुझे नहीं पता, बट बहुत बढ़िया से एक बार जंप दिखा सकता है। यहाँ पे देखिए 9.9% आज भागा है, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई ये नहीं करना जरूरी नहीं है, हमें पेशेंस के साथ में अच्छा सा स्टॉक को होल्ड करेंगे तो ही पैसा बनेगा, ठीक है। मैं तो इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं तो फ्यूचर नहीं करता हूँ, मैं तो कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मार्जिन में भी कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं अपना जॉब के साथ में पैरेलली स्विंग ट्रेड करता हूँ, बहुत अच्छा सा गेन में ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा मार्केट के साथ में अपडेट अगर रहेंगे तो अच्छा सा स्विंग ट्रेडिंग लेके अच्छा सा पैसे कमा सकते हैं मार्केट से, ठीक है। तो उसके लिए आप ये वीडियो वगैरह देख लीजिए, और सारे कैसे मैं स्टॉक को सिलेक्शन करता हूँ उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए हिंदुस्तान फूड 1 महीना पहले मैंने बताया था, उस टाइम पे अगर बाय किए होते आज भी आप प्रॉफिट पे होते। तो लेकिन डेली आपको स्टॉक को नहीं बाय करना होता है, डेली सेल नहीं करना होता है, ठीक है। स्टॉक को बाय करेंगे और होल्ड करेंगे तो ही पैसे बनेगा, ठीक है। और जो भी सारा इंपॉर्टेंट वीडियो है, कैसे मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, उसका क्राइटेरिया क्या है, जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है, मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी क्या है, वो सारे स्ट्रेटेजी का लिंक जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जरूर जाके विजिट कर सकते हैं। उसके साथ में आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिए, जो कि बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो। यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, और काफी सारा स्विंग ट्रेड स्टॉक्स है जो कि आपको 100% का गेन भी दे सकता है। उसके लिए आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कौन सा स्टॉक में 100% मिल सकता है, उस हिसाब से 5% इन्वेस्टमेंट कीजिए। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।